आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सरकार के ऊपर बड़े आरोप लगाए हैं सर, घोटाला जो है आप बता रहे हैं और जो सरकार के मंत्री हैं वो कह रहे हैं अनियमितताएं हुई हैं मामूली सी, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने जांच भी बैठा दी, उसके बाद भी इतना आप आक्रामक क्यों हैं? अच्छा देखिए, बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा। कह रहे हैं कि अनियमितताएं हुई हैं, घोटाला नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, सीनियर डॉक्टर को जूनियर और जूनियर डॉक्टर को सीनियर कैसे बनाया जाता है? कैसे बनाया जाता है? लेन देन का खेल करके। एक एक डॉक्टर को दो दो जिलों में पोस्टिंग कैसे दी जाती है? और तो और सोचिए आप, विजय श्रीवास्तव नाम के एक डेंटल विभाग के कर्मचारी जौनपुर के, 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, उनका ट्रांसफर 2 साल बाद हो रहा है, मरने के 2 साल बाद हो रहा है। अरुण यादव 2021 में उनकी मृत्यु हो गई, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, मरने के बाद उनका ट्रांसफर हो रहा है। ये तो हो गए कर्मचारी स्तर पे। डिप्टी सीएमओ सुधीर चंद्रा जी, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी 13वीं हो गई, 13वीं के बाद उनका ट्रांसफर हो रहा है। डॉक्टर दीपेंद्र सिंह सर्जन, मृत्यु हो गई, 13वीं हो गई, 13वीं के बाद ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे ऐसे जगहों से ट्रांसफर कर दिया गया जहां आज एक भी डॉक्टर नहीं है। अमरोहा के अंदर 10 घंटे में 4 बच्चों की मौत हो गई। कौन जिम्मेदार है उन 4 बच्चों की मौत का? किसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? और ये जांच कमेटियों की नौटंकी आप कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ये जो खुली आंखों से आपको भ्रष्टाचार और बेईमानी दिख रही है, इनको पकड़ के जेल में डालिए। और मैं तो स्वास्थ्य मंत्री जी से भी कहूँगा, अलग अलग जिलों में वो छापेमारी कर रहे हैं और मैं कहता हूँ अच्छा काम कर रहे हैं, जगह 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 जिले जिले में जाके देख रहे हैं। ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चला रहे हैं लोग, इनके ऊपर भी छापेमारी कीजिए, इन पर भी कार्रवाई कीजिए। डॉक्टर वेद व्रत सिंह डीजी स्वास्थ्य थे, अंतिम दिन जिस दिन उनका रिटायरमेंट था उस दिन उन्होंने सारे ट्रांसफर पोस्टिंग किए। अंतिम दिन क्या इंटरेस्ट था भाई उनका, क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्या उन्होंने अपने दम पे कर दिए ट्रांसफर पोस्टिंग? आपको लग रहा है कि खाली एक डायरेक्टर लेवल का व्यक्ति? स्वास्थ्य मंत्री खुद ही कह रहा है कि हमें कोई संज्ञान नहीं है जो ट्रांसफर किया गया, तबादला नीति का उल्लंघन किया गया। खुद मंत्री कह रहे हैं, मेरी बात छोड़ दीजिए आप, खुद मंत्री बृजेश पाठक जी कह रहे हैं कि भाई तबादला नीति का पालन नहीं किया गया। इसका मतलब मंत्री को ही विश्वास में नहीं लिया गया, तो अधिकारी नीचे लेवल पे माल खा के ट्रांसफर कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव को उन्होंने चिट्ठी लिख के जवाब तलब किया था, नीचे लेवल पे आप कह रहे हैं कि अधिकारी माल खा के ट्रांसफर कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव का जो है बाकायदा चिट्ठी उन्होंने लिखी थी, क्या वो भी लिप्त हैं इस तरह की उसमें? मैं कह रहा हूँ जितने लोग भी लिप्त हैं, आपने एक कमेटी बनाई है, हफ्ते भर में 10 दिन में रिपोर्ट ले लीजिए और उन पर कार्रवाई कीजिए, तब आपकी विश्वसनीयता जनता के बीच में बढ़ेगी, वरना कमेटी जो है वो एक कॉमेडी बन जाएगी। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के लिए मैं कह रहा हूँ कि इनके लिए कमेटियाँ जो है वो कॉमेडी बन गई हैं, इनकी कमेटी जो है वो कॉमेडी बन गई है। पिछली सरकार में भी कमेटी बनाते थे, करते कुछ नहीं थे, इस सरकार में भी कमेटी बना रहे हैं, करते कुछ नहीं। पशुपालन विभाग की ये चिट्ठी है अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे की। डॉक्टर रजनीश दुबे लिख रहे हैं कि भाई जो सामान खरीदे गए हैं पशुपालन विभाग में वो महंगे सामान खरीदे गए हैं, कई गुना महंगे सामान खरीदे गए हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 50 करोड़ का घोटाला हुआ, पहले इंसानों का पैसा खाया, पशुओं का पैसा खा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं खाली। जांच तो इसकी भी हो रही है? हाँ तो जांच हो रही है खाली, कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई कीजिए ना, सिर्फ जांच की नौटंकी मत कीजिए, कार्रवाई करके दिखाइए। तो क्या लगता है कि आप मुख्यमंत्री को क्यों टारगेट, अधिकारी कर रहे हैं लेकिन आप मुख्यमंत्री को ही टारगेट करते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह देखा? सरकार उनकी चल रही है ना, उत्तर प्रदेश में किसी और व्यक्ति की सरकार नहीं चल रही है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं, 5 साल उन्होंने सरकार चलाई है। क्या उनको पता नहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में किस तरीके के उद्योग धंधा चलता है, ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग किस तरह से चलता है? ये तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, वो खुद गड़बड़ी मान रहे हैं इसलिए उन्होंने कमेटी बनाई, उनके मंत्री गड़बड़ी मान रहे हैं, तो आपके नाक के नीचे बैठ के सारे लोग कैसे गड़बड़ी कर रहे हैं? इन पे कार्रवाई कीजिए। एक सवाल और था
कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अब बहस छिड़ रही है पूरे देश में, तमाम जगहों पर देखा जा रहा है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं ख़ास तौर से, वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून उनके प्रदेश में लागू हो, लेकिन कुछ लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं। आप इस कानून को किस तरह से देखते हैं, इस बहस को किस तरह से देखते हैं? संघ वाले सबसे ज़्यादा नाराज़ होंगे। संघ के सारे पदाधिकारियों ने बार बार ये कहा है कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो पहले संघ और बीजेपी आपस में बैठ के तय कर लें कि किसकी बात मानेंगे। भाई सरकार तो संघ की चलती है, कहने के लिए भाजपा की सरकार है। हम लोगों की राजधानी दिल्ली है, भाजपाइयों की राजधानी नागपुर है, सबको पता है। तो नागपुर वाले तो कहते हैं 4 बच्चे पैदा करो। तो मोदी जी नागपुर वालों से अलग तो नहीं जा सकते मुझे लगता है। तो पहले दोनों लोग आपस में तय करके फिर हम लोगों को कानून बता दें क्या ला रहे हैं, फिर उस पर बताएंगे, तब हम अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। क्योंकि मैं संघ और बीजेपी को अलग नहीं मानता, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। उनकी मातृ संस्था संघ है भाजपाइयों की, तो जब उनकी मातृ संस्था खुद कह रही है कि 4 बच्चे हिंदुओं को पैदा करना चाहिए, कई कई तो ऐसे हैं जो कहें 10-10 बच्चे पैदा करना चाहिए। मैं कई बयान अभी दिखा दूँ 2 मिनट के अंदर, कई इनके मंत्री पदाधिकारी आरएसएस के नेता कह चुके हैं, कोई कहता है 10 बच्चे पैदा करो। और वो अभी साध्वी रितंबरा जी, वो भी उनका भी काफ़ी जुड़ाव बीजेपी से रहता है, उनका एक बच्चा आरएसएस को दे दो, एक बच्चा जो है वो बीजेपी को दे दो, एक बच्चा इसको दे दो, एक बच्चा उसको दे दो, और खूब बच्चा पैदा करो, और बाप बेचारा बुढ़ापे में बीड़ी पी के मर जाए, सारा बच्चा इन्हीं लोगों को दे दो, बच्चे पैदा करो। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना संजय सिंह जी को, बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बातें कही। जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी लेकर उन्होंने सरकार को घेरा, आरएसएस को घेरा, और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में व्यापार ट्रांसफ़र का चल रहा है उस पर भी उन्होंने आरोप लगाए और कहा कि ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है और इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन पीयूष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।